हेलो, नमस्कार। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पुराने वर्षों के यूपीएससी मेंस पेपर के डिस्कशंस, और उसी के तहत वर्ष 2018 के GS-4 पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। GS-4 यानी कि होता है एथिक्स, और एथिक्स में अभी तक आपको देखने को मिलते थे टोटल 14 सवाल, लेकिन इस साल आपको सिर्फ 12 ही सवाल देखने को मिले। 12 में से भी शुरुआत के जो 6 सवाल थे वो सबके सब थे थ्योरी बेस्ड, यानी कि उसमें आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज को टेस्ट किया जाता था, और बाद के जो 6 सवाल थे वो थे आपके केस स्टडीज़ के ऊपर। केस स्टडीज़ में आपको एक सिचुएशन दे दी जाती थी, उस अनुसार कुछ आपसे सवाल पूछे जाते थे, उन सवालों को आपको इस सिचुएशन को अपने दिमाग में रख के आंसर करना होता था। अपने इस मॉड्यूल से हम इन दोनों ही पार्ट्स पे पूरा फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे एथिक्स से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। जो इसकी PDF है वो हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। ये चैनल हमारा दोस्तों टेलीग्राम पे चलता है और ये चैनल एकदम फ्री है, तो अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लें। उससे होगा ये, हमारे जो भी इनिशिएटिव चल रहे हैं आप उसका हिस्सा बन पाएंगे, उसका आप लाभ उठा पाएंगे। और YouTube अगर कभी देरी कर देता है आपको नोटिफिकेशन देने में, तो यहाँ पर हम आपको एकदम टाइम से सारे नोटिफिकेशन दे देंगे। इसके अलावा कुछ पेड कोर्सेज भी चलते हैं हमारे, जहाँ पर हम लोग UPSC और अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको करवाते हैं, गाइडेंस देते हैं, मार्गदर्शन आपका करते हैं और स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको एक सुविधा दी जाती है जहाँ पे आप टीचर से 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस संदर्भ में और कोई जानकारी चाहिए हो तो ये दो नंबर यहाँ पर मैंशनड है, आप इस पर कॉल करें, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने एक क्विक रिविज़न के साथ, क्योंकि ये रिविज़न है हमारी नींव, और नींव मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर एथिक्स की बात करें, हमारे पास वर्ड लिमिट कम होती है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि आप बैकग्राउंड पे कम फोकस करें, आप सीधे क्वेश्चन को स्ट्राइक करें। अगर आपको बैकग्राउंड बताना है तो एक या दो लाइन में मैक्सिमम बताएं और उसके बाद सीधे अपने क्वेश्चन पे आ जाएं, उसका आंसर करें। कुछ की टर्म्स की हमने बात की थी हमारे शुरुआती लेक्चर्स में, वो की टर्म्स को आप एक बार देखें और उनको अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। की टर्म जो हमने आपको बताई थी वो थी जैसे कि डियोन्टोलॉजी, जैसे कि यूटिलिटेरियन, जैसे कि तीसरी थी अल्ट्रुइज्म, ईगोइज्म और हेडोनिज्म। तो ये कुछ की टर्म्स हमने बताई थी, इनका मतलब भी आपके साथ अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था। तो उम्मीद करते हैं हम कि आप वो लेक्चर देखेंगे और उससे इन की टर्म्स का मतलब समझेंगे और इनको अच्छी तरीके से अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करेंगे। उसके अलावा दोस्तों, एक और सुझाव रहेगा कि आप कोशिश करें कोई कंटेम्प्रेरी मुद्दा, यानी कि ऐसा मुद्दा जो आज के समय में न्यूज़ में चल रहा है, उसको आप अपने एथिकल आंसर से जोड़ें। इससे आपके आंसर को एक कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए बात हो रही है हमारी एनवायरमेंटल एथिक्स की। एनवायरमेंटल एथिक्स में आपके पास फोकस रहता है कि आपको अपना पर्यावरण स्वच्छ रखना है और अपने पर्यावरण का संरक्षण करना है। अब इसके तहत अगर हम एथिक्स पे बात करें तो आज के ज़माने में कोई एक स्कीम्स आप पकड़ लें, स्वच्छ भारत अभियान पकड़ लें, नमामि गंगे पकड़ लें, NGT की स्थापना के ऊपर आप बात कर सकते हैं। तो आपने अपने इस आंसर में इस कंटेम्प्रेरी इशू को जोड़ दिया, इससे आपका आंसर और बेहतर तरीके से खिल के बाहर आएगा। फिर कंटेंट की बात करूँ अगर मैं, तो कंटेंट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लेंथ से। यहाँ पे आपको लंबे लंबे आंसर्स नहीं लिखने, यहाँ पे आपको छोटे आंसर्स लिखने हैं, लेकिन उसमें अपना सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट कंटेंट देना है। फिर ये इस साल के कुछ इंस्ट्रक्शंस थे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए गए। यहाँ पे टोटल 12 सवाल आए जिनको दो भागों में बांटा गया था। पहला था सेक्शन ए और आपका दूसरा था सेक्शन बी। दोनों में टोटल 6-6 सवाल थे। हालांकि इन 6 सवाल के अंदर भी काफ़ी सारे 2-3 सवाल थे, लेकिन बड़े बड़े तौर पर आपके 6 सवाल थे यहाँ पर। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्न के आगे उसके रिलेटेड मार्क्स लिखे हुए थे। आप उसी माध्यम में आंसर करें जिसको आपने चुना है अपने प्रवेश पत्र में। उसके अलावा जो भी शब्द सीमा प्रश्न के साथ में लिखी गई है उसका ध्यान रखें, उसका उल्लंघन ना करें। और जो भी आपकी उत्तर पुस्तिका में पन्ना खाली छूट गया है उसको इस तरीके से कट कर दें। ये इंस्ट्रक्शन हमने आपके लिए इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ अपना पहला सवाल। सवाल नंबर एक आपसे कहता है, कोई भी 3 आधारिक मूल्यों के बारे में कथन कीजिए
और होना ये चाहिए कि वो यूनिवर्सल इन नेचर होने चाहिए और वो संबंधित होने चाहिए सिविल सर्विसेज से। और उसके बाद आपने तीनों को लिस्ट कर दिया, फिर उसके महत्व के बारे में बताएं। तो ये जो क्वेश्चन है ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, आप यहाँ पे कोई भी तीन लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एम्पैथी लिख सकते हैं, और एम्पैथी से आप ये बता सकते हैं कि हम दूसरे के दर्द को महसूस कर सकें, ये है एम्पैथी। आप यहाँ पे कंपैशन लिख सकते हैं, आप यहाँ पे ऑनेस्टी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे इंटेग्रिटी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे परसिवरेंस लिख सकते हैं। आपके पास बहुत इसमें ऑप्शन वाइड हैं, तो आप चाहें तो जो कुछ भी आप लिखना चाहें यहाँ पे इंक्लूड करें और उसके महत्व के बारे में समझाएं। फिर उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में आपको डिस्टिंग्विश करना है, उनके बीच में आपको भेद बताना है। पहली चीज़ है सदाचार संहिता या फिर कोड ऑफ एथिक्स, और दूसरी चीज़ है आचार संहिता या फिर कोड ऑफ कंडक्ट। और आपको इसमें एग्जाम्पल्स देने हैं जिससे कि आपका आंसर साफ समझ में आ पाए, उसको मजबूती मिल सके। तो देखिए, जो मैंने पहला भाग लिया है उसमें मैंने तीन वैल्यूज़ ली हैं, एम्पैथी, इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी। शुरुआत मैंने की है ये बताते हुए कि भाई कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं और होने भी चाहिए जो सिविल सर्वेंट्स को अपने जीवन में फॉलो करने पड़ते हैं। वो उनके डिसीजन मेकिंग को हेल्प करते हैं, वो उनको गाइड करते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं कि वो इस प्रकार की नीतियाँ डिज़ाइन करें कि वो जनहित के लिए टारगेटेड हों। और इसके अलावा जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब वो किसी दुविधा में फंसते हैं, तो ये प्रिंसिपल्स, ये सिद्धांत ही उनकी मदद करते हैं उस दुविधा को सुलझाने में, उससे बाहर निकलने में। अब यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, हमारे हिसाब से हमने तीन सिलेक्ट की हैं, और उसके बारे में यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन दिया है। सबसे पहले मैंने लिखा है एम्पैथी। एम्पैथी होता क्या है? आपके सामने कोई व्यक्ति है, आप उसकी फीलिंग्स, उसके एक्सपीरियंस को समझ पा रहे हैं, अगर वो किसी तरीके से पीड़ा में है तो आप उसकी पीड़ा को महसूस कर पा रहे हैं, ये होती है एम्पैथी। इसमें आप सामने वाले व्यक्ति के हृदय में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, उसकी अंतरात्मा क्या चाहती है, ये सब महसूस कर पाते हैं। जितनी ज़्यादा आप में एम्पैथी होगी उतने ही ज़्यादा आप लोगों को महसूस कर पाएंगे, उनके क्वालिटीज़, उनकी वैल्यू को अप्रिशिएट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको एम्पैथी हासिल करनी है तो कैसे करेंगे? देखिए, एम्पैथी हासिल करने के लिए आप लोगों को सामने वाले की बात सुननी होगी। आज की समस्या ये है कि जो हम लोग सुनते हैं वो हम समझने के लिए नहीं सुनते, हम इसलिए सुनते हैं जिससे हम उसका रिप्लाई कर सकें। हर एक परिस्थिति में आजकल हम कोशिश करते हैं कि कैसे हम डिस्कशन को आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकें और सामने वाले को गलत प्रूव करके खुद को सही प्रूव कर सकें, या अपनी बात उसकी बात के ऊपर रख सकें। आजकल हो क्या रहा है, हम हर एक बात को फिल्टर कर लेते हैं जिस अनुसार हम उसको सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जिस अनुसार वो बात कही गई है हम उसको उस पर्सपेक्टिव में ना देख के जिस अनुसार हम खुद देखना चाहते हैं हम उसमें उसको देखते हैं। ये आज की समस्या है। आपको दूसरे को सुनना पड़ेगा अगर आपको एम्पैथी को अपने अंदर बसाना है। उसके बाद एम्पैथी क्या होती है, ये आपको कहती है और ये आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप स्वार्थहीन हो जाएं, निस्वार्थ भावना से आप सबके लिए काम करें। जो भी मैं कर रहा हूँ उसका केंद्र मैं खुद ना हो के मेरे जनता में उसका केंद्र हो। इससे ये होगा कि भाई जो मेरे पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो मेरे प्राइवेट गेन्स के लिए मेरे पब्लिक इंटरेस्ट पे हावी नहीं होंगे, यानी कि मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से फॉलो करूंगा, मैं किसी भी तरीके के प्राइवेट गेन्स में नहीं ध्यान दूंगा, पर्सनल इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं दूंगा। तो अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है, कुछ ऐसे डिसीजन लेने हैं, कुछ ऐसी नीतियाँ लेनी हैं जिससे ज़्यादातर जनता का फायदा हो सके, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप निस्वार्थ होकर लोगों के बारे में सोचते हुए उस पर नीति बनाएं, तभी वो नीति सबसे एफिशिएंट होगी। और इससे होगा क्या, इससे पब्लिक का आपके प्रति भरोसा और कॉन्फिडेंस और ज़्यादा मजबूत होगा और आप भी और ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा इफेक्टिवनेस के साथ सभी नीतियाँ बना पाएंगे और संविधान की जो रूह है उसको समझ कर उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। फिर बात आती है इंटेग्रिटी की। इंटेग्रिटी क्या होती है? इंटेग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट कभी अपना ऑफिस अज्यूम करता है तो देखिए उसके पीछे दो कारण होते हैं, एक तो उसको जनता की सेवा करनी है और दूसरी उसको कुछ उसमें से प्राइवेट गेन नहीं लेना, उसको इम्पार्शियल रह के किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को कोई प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देना, उसको फोकस करना है पब्लिक
के गुड पे, यानी जनहित पे। आज आप जहाँ देखेंगे वहाँ पे करप्शन प्रेविलेंट है, बहुत बड़े स्तर पे करप्शन हर जगह घुसा हुआ है और हर व्यक्ति खुद को केंद्र बना के अपने ही फायदे के लिए आगे बढ़ने में लगा हुआ है। हालांकि हमारे देश में बहुत सारे नियम हैं, कानून और कायदे दोनों हैं, जिसके तहत सीवियर पनिशमेंट मिलना चाहिए अगर कोई भी आदमी करप्शन में इन्वॉल्व पाया गया, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कुछ लूप होल्स हैं, कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं जिसके तहत एक पब्लिक सर्वेंट यहाँ से बाहर निकल जाता है और उसे करप्शन की सज़ा नहीं मिलती। इससे उसका जो एथिकल बिहेवियर है वो और ज़्यादा टूट जाता है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं फंस भी गया तो मैं यहाँ पे इस तरीके से निकल जाऊँगा। तो अगर आपको इंटीग्रिटी को अपने अंदर उतारना है तो आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आपके जो नैतिक सिद्धांत हैं उसको बहुत ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है कि मान लीजिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर अवार्ड करने आए हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दें किसी भी आदमी को जो आपको लगे कि सबसे बेहतर है इनमें से, बिना किसी फेवर्स के इन रिटर्न, तो यहाँ पे आपने अपनी इंटीग्रिटी का परिचय दिया है। और फिर तीसरी बात है दोस्तों, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी है कि मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा, मैं जो सबूत हैं उनका ढंग से इवैल्यूएशन कर रहा हूँ, ढंग से एक एक सबूत की एक एक कड़ी को देख रहा हूँ और उसके बिना पे मैं अपने डिसीजन ले रहा हूँ, मैं अपनी नीतियाँ तैयार कर रहा हूँ। अगर कोई सिविल सर्वेंट ऑब्जेक्टिव है तो यानी कि उसने कोई भी अगर बात कही है उसके पीछे उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, फिर उसके बाद उसने वो बात फॉरवर्ड की है, भले ही आप इंक्लूड कर ले इसमें वो मिनिस्टर्स को जो एडवाइस देते हैं, तो वो एडवाइस भी इस तरीके से नहीं देंगे कि बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हों, वो उसके पीछे अच्छे से रिसर्च करेंगे, हर एक सबूत को अच्छे से समझ कर जो एडवाइस जो तथ्य देंगे वो एकदम एक्यूरेट होंगे, जिससे कि मिनिस्टर्स जो भी डिसीजन लेंगे वो अच्छे से मेरिट बेस्ड डिसीजन होगा, सारे तथ्यों को पढ़ने के बाद, सारे सबूतों को जड़ तक समझने के बाद फिर ये डिसीजन होगा, तो ये ज़्यादातर जनता को अच्छा ही अफेक्ट करेगा। तो ये हमने तीन यहाँ पे प्रिंसिपल लिए, तीनों को समझाया। दूसरा भाग देखते हैं, अब यहाँ पे बताया है कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके से एक दूसरे से अलग है। कोड ऑफ एथिक्स क्या है समझ लीजिए, आसान भाषा में एक पर्चा है जहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं कि आपको इस तरीके के स्टैंडर्ड्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, ये सब नैतिक सिद्धांत आपको अपने जीवन में उतारने पड़ेंगे, तभी हम आपके कंडक्ट को कहेंगे एथिकल कंडक्ट। तो ये है आपका कोड ऑफ एथिक्स। ये कई बार वैल्यू स्टेटमेंट की तरह कहा जाता है, यानी कि ये जो दिया है मैंने ये एक स्टेटमेंट है ये पूरा, और ये स्टेटमेंट क्या है, वैल्यूज़ को लिए हुआ है, इसीलिए इसको वैल्यू स्टेटमेंट कहते हैं। इस सभी से फ़ायदा क्या होता है, जब हम डिसीजन लेते हैं तो हमें पहले इसको मद्देनज़र रखते हुए कोई डिसीजन लेना पड़ता है। इससे होगा क्या, हमारा डिसीजन जो होगा वो नैतिक मूल्यों पे बेस्ड होगा, वो किसी एक व्यक्ति के फायदे के लिए नहीं जाएगा, वो जनहित में जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, अगर कोई संस्था खुद को कमिट करती है कि हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, हम लोग देश में हरियाली बढ़ाएंगे, तो जो उसके कोड ऑफ एथिक्स होंगे उसमें ये लिखा होगा, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी कर्मचारी इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला किसी तरीके की भी समस्या में फंस जाए, तो वो जो भी उसके पास मोस्ट ग्रीन सोल्यूशन हो वही चूज़ करे। तो यानी यहाँ पे जो आपके एथिक्स हैं वो आपको एनवायरमेंटल एथिक्स प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि आप पर्यावरण के संरक्षण की तरफ सोचेंगे हर एक एंगल से। अब अलग अलग तरीके के कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म नेशनल कोड, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक कोड जो किसी डिपार्टमेंट का होता है, जनरल कोड जो सभी डिपार्टमेंट्स के होते हैं, एक जनरल कोड ऑफ एथिक्स जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अब बात करता हूँ मैं इसी चीज़ की कोड ऑफ कंडक्ट के रिस्पेक्टिव। देखिए, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, दोनों ही कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप का जो व्यवहार है वो उसके एम्प्लॉयज़ में इनकॉर्पोरेट कर सकें। बस फर्क ये है कि कंडक्ट आपको कहता है कि किस तरीके से आपको वहाँ पे कार्य करना चाहिए, और एथिक्स आपको बोलते हैं कि आपको किन मूल्यों, किन सिद्धांत को अपना बेस बना के अपने ऑर्गेनाइजेशन में आगे की तरफ कार्य करना चाहिए, किन मूल्यों के आधार पे आपके डिसीजंस इन्फ्लुएंस होंगे, ये आपका बताता है कोड ऑफ एथिक्स। दोनों के दोनों बेसिकली यूज़ तो किए जाते हैं जिससे कि आप किसी के व्यवहार पर रेगुलेशंस लगा सकें, लेकिन इनके कुछ कुछ मतलब अलग होते हैं, वो हम यहाँ पे जान लेते हैं क्या डिफरेंस है। देखिए,
जो कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में डिफरेंस है वो ये है कि जो कोड ऑफ एथिक्स है वो तो आपके सिद्धांत हैं, एक चिट्ठा है जहाँ पे सिद्धांत लिखे हैं काफ़ी सारे, जो आपका जो भी जजमेंट होगा उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट है दोस्तों, वो आपके वर्क एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, आप किस तरीके से काम करेंगे इस बात को वो इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट तो कहेगा कि अगर आपको ऑफिस आना है तो आपको फॉर्मल क्लोथ्स पहन के आना पड़ेगा, प्लस आपको टाई लगा के आनी पड़ेगी। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स आपको ये नहीं बोलेंगे, कोड ऑफ एथिक्स बोलेंगे कि जब भी आप ऑफिस आएँ तो उस समय से आप ड्यूटी के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए हैं, आप जो भी करेंगे आप अपनी ड्यूटी को ध्यान में रख के उसके साथ जुड़े हुए प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के ही करेंगे। तो यह है कंडक्ट कि आप किस तरह वहाँ पे बिहेव करें, किस तरीके आपको कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से आपको काम करना है। लेकिन एथिक्स बता रहा है किस तरीके से आपको वहाँ व्यवहार करना है। एथिकल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं, उनका स्कोप लिमिटेड नहीं होता, वो वाइड होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, वो आपकी डिसीजन मेकिंग की अप्रोचेस को तय करते हैं और ये आपको मजबूर करते हैं कि आप सोचें क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जो कंडक्ट के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो जनरली आपको इस तरीके की कोई मजबूरी में नहीं डालते, वो आपको ये सोचने में मजबूर नहीं करते क्या सही है और क्या गलत है, वो तो जो लिखा है आपको वो ओबे करना है वरना आपको पेनल्टी लगेगी। यानी कि अगर लिखा है कि आप टाई बांध के आएँ या फिर कोट पहन के आएँ तो आपको वो करना पड़ेगा, नहीं करा तो किसी तरीके की आप पेनल्टी अपने लिए इन्वाइट कर लेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने का है नहीं, अगर वो कह रहे हैं कोट पहन के आओ तो उनकी वो यूनिफॉर्म होगी। लेकिन एथिक्स के प्रिंसिपल आपको सोचने में मजबूर करते हैं। अगर प्रिंसिपल कहता है कि भाई काम करते वक्त आपको अपना पूरा समर्पण अपने काम को देना है, उस दौरान कोई फ़ोन अटेंड नहीं करना है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं करनी है, तो अगर आपके पास कोई फ़ोन आए तो फिर आप सोचेंगे क्या मैं अटेंड करूँ क्या नहीं करूँ, अगर करूँ तो सही होगा या गलत होगा। तो इस तरीके के होते हैं एथिकल प्रिंसिपल्स। जो कंडक्ट रूल्स होते हैं हमारे लोक सेवकों के भारत में, वो कोशिश करते हैं कि वो लोग इंटीग्रिटी को मेंटेन करे रहें, उसके अलावा डिसिप्लिन को मेंटेन करे रहें और पॉलिटिक्स के प्रति न्यूट्रल रहें, मतलब कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से वो प्रभावित ना हो और डिसीजन मेकिंग में अपनी किसी भी तरीके के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को झलकने ना दें। अब मिसकंडक्ट क्या है? आपने कुछ गलत क्लेम्स किए हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ की है, आपने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को कुछ ना कुछ चुराया है, आप गवर्नमेंट को किसी तरीके से धोखा दे रहे हैं, आपने घूस ली है, करप्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये जो भी चीज़ें लॉ के अगेंस्ट जाती हैं वो सब के सब आपके मिसकंडक्ट में इंक्लूड होती हैं। तो बेसिकली हम देखें तो ये डिफरेंस था एथिक्स के बीच में और कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में। फिर मैंने आपको समझाया डेफिनेशन से और उसके अलावा एग्जाम्पल्स है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। एक आपकी सोच को मजबूर करते हैं, एक आपकी सोच के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं करते, वो जैसा कह रहे हैं वैसा करिए वरना आप पे पेनल्टी लगेगी। तो ये है आपका ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सवाल है आपके सामने, ये आपसे पूछ रहा है कि लोकहित का क्या अभिप्राय है, यानी कि व्हाट इज मेंट बाय पब्लिक इंटरेस्ट। और इसमें दूसरा भाग जो है वो कह रहा है कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं और कौन कौन सी ऐसी कार्यविधि हैं जो किसी सिविल कर्मचारी को फॉलो करनी पड़ती है लोकहित के लिए। तो ये दो भाग हैं आपके सवाल के और दोनों भागों को आपको आंसर करना है। जो दूसरा सवाल है वो आपसे कहता है कि ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम है, ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को सशक्तिकरण के बारे में नहीं है, इसमें जवाबदेही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसका एक कॉन्सेप्ट, एक पिलर, एक फाउंडेशन स्टोन जवाबदेही भी है। इस बात को आपको पकड़ना है और इसकी विवेचना करनी है। तो ये दो भाग इस सवाल के हैं, आपको दोनों भागों को आंसर करना है। आइए पहला भाग हम देखते हैं। देखिए जो आपको पब्लिक इंटरेस्ट है वो क्या है, एक कॉमन कंसर्न है जो आपको रखना पड़ता है अपने नागरिकों के प्रति, और वो संबंधित हो सकता है उनके अधिकारों से, उनके स्वास्थ्य से या फिर उनके आर्थिक स्थिति से, और आपको इन सभी मुद्दों को जो मैनेज करने की कला है, भले ही लोकल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, उस कला को आप कहेंगे पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि अगर मैं कुछ ऐसा काम करूँगा जो ज़्यादातर जनता को अधिकार दे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे, उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करे, तो यानी कि मैं पब्लिक के इंटरेस्ट में काम कर रहा हूँ, वो इंटरेस्ट जो पब्लिक का है मैं उसको और मजबूत कर रहा हूँ, और जो भी मेरे कार्य हैं वो सब पब्लिक के फ़ायदे के लिए ही हैं। एक सिविल सर्वेंट को ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके हर एक एक्शन पब्लिक इंटरेस्ट में ही हो, आपके हर एक एक्शन से जनहित हो,
किसी का भी नुकसान ना हो, ज़्यादातर लोगों का फ़ायदा हो, यानी कि आपको एज अ सिविल सर्वेंट फॉलो करना पड़ता है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, जिसमें आप मासेज का, ये जो मासेज हैं इनकी हैप्पीनेस की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या प्रिंसिपल्स एक सिविल सर्वेंट को फॉलो करनी चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए? सबसे पहला तो सिंपल प्रिंसिपल है जो आपका संविधान कहता है, आप उसको पूरे दिल से निभाएं और उसको निभाते वक्त आप किसी भी तरीके की ढील ना दें। आप सभी नागरिकों को बिल्कुल बराबर का दर्जा दें, सबको एक ही निगाह से देखें। अगर कोई भी मुद्दा पब्लिक से रिलेटेड आपके पास अटके तो आप कोशिश करें उसको सबसे एफिशिएंट तरीके से सुलझाएं, एकदम समय पर सुलझाएं, और एक मैनर आप इस तरीके की अपनाएं जिससे सिटीज़न का फ़ायदा हो सके। आपको इस तरीके से कुछ निर्णय लेने चाहिए जिससे जो आपके नागरिक हैं उनमें आपके प्रति ज़्यादा विश्वास जनरेट हो जाए, वो कोऑपरेट करने को तैयार हों। अगर आप कोई नीतियाँ ला रहे हैं तो उसका सफल इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है सिटीज़न पे भी। अगर लोग उसको दोनों बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं तो इसका मतलब है लोग उसको इम्प्लीमेंट करने में आपकी मदद करेंगे, और वो तब आएगा जब लोगों में आपके प्रति एक आत्मविश्वास होगा, माफ़ कीजिएगा, मतलब लोगों में आपके प्रति एक भरोसा होगा, एक विश्वास होगा, और आप में खुद में एक आत्मविश्वास होगा कि मैं जो लोगों के लिए कर रहा हूँ वो लोगों के हित में ही है और उससे किसी का नुकसान नहीं होगा। मैं यूटिलिटेरियन अप्रोच को फॉलो कर रहा हूँ और मैं कोऑपरेशन के लिए आगे बढ़ूँगा। जब भी आप किसी नागरिक का कोई मुद्दा सुनते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप एम्पैथेटिक हों, आप कंपैशन से भरे हुए हों, आप उसके इश्यूज़ को अच्छे से समझ पाएँ, उसके हिसाब से उसको आदर दे पाएँ, और आपके नैतिक मूल्य और नैतिक विचार इस तरीके से हों कि आप जो भी फैसला लें वो समाज के हित के लिए लें और कोई भी चीज़ आपके रास्ते में आपके इस फैसले के आड़े ना आने पाए। तो ये आपने बताया क्या प्रोसीजर्स और क्या प्रिंसिपल यानी क्या सिद्धांत फॉलो करने चाहिए एक सिविल सर्वेंट को। अब हम दूसरे भाग को देखते हैं, ये है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। भाई ये जो एक्ट था ये 2005 में इम्प्लीमेंट किया गया, और ये इम्प्लीमेंट क्यों हुआ? अगर किसी भी सिटीज़न को, ये है आपका सिटीज़न, किसी भी सिटीज़न को किसी भी सरकारी डिसीजन को लेके या कोई भी चीज़ को लेके कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो एक यहाँ पे याचिका दायर करेगा। यहाँ पे बैठा होगा एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, इसके पास कुछ टाइम लिमिट होती है, ये उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर अगर इस सिटीज़न की जो याचिका है वो देश को किसी प्रति नुकसान नहीं पहुँचा रही होगी तो ये PIO इस सिटीज़न की याचिका को देखेगा, मंजूर करेगा, उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन उस नागरिक को प्रोवाइड करेगा। तो इससे होगा क्या, नागरिक जो है आपका वो सरकार के सभी नियम, सभी डिसीजन सब में अंदर तक अच्छे से तह तक जाकर पढ़ पाएगा, और उससे होगा ये कि आपका करप्शन ख़त्म हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जवाबदेही आपकी बढ़ेगी, और आप एज अ सिटीज़न सरकार से किसी भी तरीके का सवाल पूछ पाएंगे, और क्योंकि जो सरकार है वो आपको आंसरेबल हो जाएगी तो सरकार अपने सभी फैसले थोड़ा समझ बूझ के ही लेगी, करप्शन कम होगा क्योंकि सब चीज़ जो है वो सिटीज़न के पास अवेलेबल है एक याचिका के तहत, तो इसीलिए करप्शन कम होगा, लोग करप्शन में कम इन्वॉल्व होंगे और ट्रांसपेरेंसी या फिर पारदर्शिता तो आएगी ही आएगी। ऐसे फिगर्स हैं कि करीब 50 लाख से ज़्यादा RTI एप्लीकेशन हर साल फाइल की जाती हैं सिटीजन्स के द्वारा, तो इसीलिए ये बात तो तय है कि RTI जो है ये हमारे नागरिकों को सशक्त करती है, उनको ये पावर देती है कि वो सरकार के किसी भी बात पे अगर उनको कुछ भी सस्पिशन हो तो सवाल उठा पाएं। लेकिन साथ साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो सरकार की जवाबदेही भी बढ़ाती है। भाई इसने क्या किया, इसने सरकार की जवाबदेही बढ़ा दी। कैसे बढ़ाई? जब सिटीज़न किसी भी बात पे कुछ सवाल पूछ पाएंगे तो सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर सरकार जवाब देने में डगमगाएगी इसका तात्पर्य ये होगा कि सरकार ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया, उसने कोई ईमानदारी, कोई चोरी की है जिसके तहत वो उसको छुपाना चाह रही है। अगर हम देखें तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे लगातार RTI फाइल होती हैं, जैसे कि PDS पे, प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव्स पे, पेंशन पे, रोड रिपेयर्स पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, टेलीकॉम कंप्लेंट्स पे, तो इसी तरीके से लगातार RTI फाइल होती रहती हैं। और ये जो RTI है, क्योंकि सरकार ये सोचती है कि हमको कल को जवाब देना होगा, इसीलिए कुछ भी गलत काम करने से पहले वो चार बार सोचेगी। तो ये एक रॉन्ग डूइंग के खिलाफ
टूल की तरह इमर्ज हुआ है। ये एक यंत्र है जिससे सरकार को रोका जा सकता है कोई भी गलत काम करने से, और गलत काम में सबसे बड़ा काम होता है करप्शन, तो ये करप्शन को काफ़ी हद तक कम कर पाएगा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो RTI के तहत कवर हुई हैं, हालांकि कुछ इसके फॉलआउट्स भी हैं, जैसे कि इसमें अभी भी पॉलिटिकल पार्टी रिलक्टेंट हैं इसके अंदर आने को। अगर पॉलिटिकल पार्टीज RTI के अंदर आ जाएं, तो बहुत बड़ा एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ ये कदम होगा। RTI ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बड़े बड़े स्कैम्स का पर्दाफाश करने में, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने यहाँ लिखा है आदर्श स्कैम, मनरेगा में पहले जो है तनख्वाह की बहुत इररेगुलरिटी चलती थी, यानी कि तनख्वाह लोगों को दी ही नहीं जाती थी, जो पैसा अलोकेट होके मनरेगा के लिए आता था वो पैसा मनरेगा में नहीं पहुंचता था, लीकेजेस इतने सारे थे कि अगर ऊपर से 10 रुपये दिए गए तो नीचे आते आते वो बचता था 1 रुपया, अब 1 रुपया आप कैसे सभी वर्कर्स में बांटेंगे, तो ये सब बड़ी समस्याएं थी। लेकिन RTI के आने के बाद से इनका पर्दाफाश हुआ है और अब जो है वर्किंग इनकी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो गई है। और सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण रोल जो RTI ने निभाया है वो है सोशल ऑडिट्स के केस में, यानी कि उसने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। अब अगर कोई भी इस तरीके का काम होगा तो उसमें सोशल ऑडिट्स होंगी। सोशल ऑडिट में आप ये समझ लीजिए, अगर कोई भी चीज़ कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा होगा किसी ऐसे सामाजिक कार्य में, तो सोशल ऑडिट के तहत वो चीज़ सामने आ पाएगी और जिन लोगों के साथ कुछ खराब हुआ है उनको कंपनसेशन मिल पाएगा, उनको मुआवजा मिल पाएगा, और जो व्यक्ति इन्वॉल्व है कुछ खराब काम करने में या फिर करप्शन फैलाने में, हम उनको पकड़ के उसको सज़ा दे पाएंगे। तो इस तरीके से ये सरकार की जवाबदेही बढ़ा देती है, जिसकी वजह से करप्शन का स्कोप कम हो जाता है, गलत चीज़ों का स्कोप कम हो जाता है, अनैतिक आचरण का स्कोप भी कम हो जाता है, क्योंकि सरकार अगर कुछ भी गलत करेगी तो उसको सिटीजन्स को जवाब देना पड़ेगा, तो वो डरती है कुछ भी गलत करने में और वो चार बार सोचती है कोई भी निर्णय लेने में। इसके बाद RTI जो है वो नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा टूल की तरह इमर्ज हुआ है। उसने एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस स्थापित की है, उसने जो सर्विस डिलीवरी है, जो सरकार की सर्विस डिलीवरी होती है नागरिकों को, उसको ज़्यादा मजबूत किया है और अल्टीमेटली उसने सशक्तिकरण को बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है, देखिए सबसे पहले तो लोकतांत्रिक प्रैक्टिसेस को इसने और ज़्यादा मजबूत बनाया है, इसने सुशासन को और मजबूत बनाया है। ये लगातार कोशिश करती है कि लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाए। अगर आपने जनता का पार्टिसिपेशन कहीं पर बढ़ा दिया तो इससे होगा ये कि हर आदमी कोई भी निर्णय लेते वक्त बहुत बार सोचेगा। अगर वो आदमी जनता के हित में निर्णय नहीं लेगा तो तुरंत ही जनता उस पर सवाल उठाएगी, और एक बार जनता ने उस पर सवाल उठाया तो वो वापस फंस जाएगा। तो इस फंसने के डर से ही लोग यहाँ पर निर्णय ही सही लेंगे, जिससे कि काफ़ी हद तक आप जनहित में काम कर पाएंगे। भारत में RTI ने हेल्प की है लोगों को पार्टिसिपेट करवाने में, जिससे कि हर एक व्यक्ति का आदर, हर एक व्यक्ति का सम्मान, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट में बढ़ोतरी हुई है। आज का जो हमारा नागरिक है वो सिर्फ एक सिटीज़न नहीं, वो एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न है, क्योंकि उसके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, जिसके तहत वो कोई भी इन्फॉर्मेशन PIO से निकाल सकता है जब तक कि वो एग्जेम्प्टेड लिस्ट में ना हो। भाई कुछ एक इन्फॉर्मेशन है जो हम मानते हैं देश के हित के लिए ठीक नहीं है सबके पास होना, उसको तो एक हमने तिजोरी में रखा है, उसके अलावा अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वो सिटीज़न के लिए हमेशा ओपन रहेगी। PIO सिटीज़न को हमेशा वो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देगा। हालांकि कुछ समस्याएं भी है, भाई इन्फॉर्मेशन जो है वो कभी कभार पूरी नहीं देते, आधी अधूरी देते हैं, कभी कभार 30 दिन के अंदर अंदर नहीं दी जाती जो एक टाइम लिमिट सेट की गई है सरकार द्वारा PIO के लिए, यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के लिए, जिसके तहत उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, पर वो इस टाइम लिमिट को एक्सीड कर जाता है। और उसके अलावा जो PIO है उनके व्यवहार में बदलाव नहीं आया। अगर कोई भी व्यक्ति उससे इन्फॉर्मेशन मांगता है और अगर इन लोगों को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, तो वो कहते हैं कि भाई ये वाली इन्फॉर्मेशन तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर है, और जो भी इन्फॉर्मेशन इस एक्ट के अंतर्गत आएगी वो हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि वो हमारी नेशन की सिक्योरिटी को खतरा बन सकती है। तो इस तहत बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सिटीज़न से छुपा ली जाती है, जो एक समस्या बन के बाहर आती है। तो ये आपने RTI को डिस्कस किया, उसके पॉजिटिव डिस्कस किए, क्या समस्याएं उसमें एग्जिस्ट कर रही है आपने ये भी डिस्कस किया, और फिर आपने ये बताया कैसे वो यहाँ पे नागरिकों का सशक्तिकरण बढ़ाएगी और साथ में इसी के वो कैसे सरकार की अकाउंटेबिलिटी या फिर जवाबदेही को बढ़ाएगी, ये आपने क्वेश्चन एड्रेस किया। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी कि
हित विरोधिता क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, और वास्तविक और संभावित हित विरोधिताओं के बीच में क्या अंतर है, आपको स्पष्ट करना है, ये वो भी उदाहरणों की मदद से। ये जो सवाल है एज इट इज़ पूरा सवाल आपको हमारे पुराने डिस्कशन में मिल जाएगा, ये प्रीवियस ईयर पेपर से एज इट इज़ क्वेश्चन उठाया गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं रिपीटेड मिल जाएंगे, जिसमें आपको सोचने में अपना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। और अगर आपने पुराने सालों के पेपर अच्छे से पढ़े हैं तो एज इट इज़ आप उस आंसर का कंटेंट और काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर यहाँ पर उतार पाएंगे और कम समय में अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो इसीलिए पुराने वर्षों के पेपर पे एक बार ज़रूर नज़र मार लीजिएगा। और अब फिर हम देखते हैं ये सवाल। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मान लीजिए ये आप हैं एक पब्लिक ऑफिशियल, और ये पहन रखी है आपने टोपी। आप जब पब्लिक ऑफिशियल हैं तो उसके तहत आपको कुछ ना कुछ अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करनी होगी, ये बात तो सही है। अब आप जब ये अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, समझ लीजिए अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो आपकी पब्लिक ड्यूटी क्या होगी, आप जनहित के लिए काम करें, ऐसी नीतियां बनाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समाज का विकास हो सके और उनका हित हो सके। अब अगर इस पब्लिक ड्यूटी के बीच में कोई आपका प्राइवेट इंटरेस्ट आके बाधा डालता है, आपको डिसीजन लेने नहीं देता, तो वो कहते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें हमने डिस्कस किया था पिछली बार एक एग्जाम्पल, कि समझ लीजिए कि भाई ये है हम लोग, और आपको यहाँ पे एक काम दिया गया है कि आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना है। कॉन्ट्रैक्ट किसका है, एक रोड के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट है ये। आपके सामने 5 बिल्डर खड़े हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है आप सभी के पुराने रिकॉर्ड देखें कि किसने कितना अच्छा काम किया है पुराने समय में, किसने टाइम पे काम ख़त्म किया है, और इस सब को देख के जो भी आपको और आपकी नज़र में सबसे बढ़िया आदमी हो, सबसे अच्छा काम कर रहा हो, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट दे दें। ये होना चाहिए आपकी ड्यूटी के अनुसार। लेकिन मान लीजिए ये जो पहला वाला व्यक्ति है, ये निकला आपका रिलेटिव। तो अगर ये आपका रिलेटिव निकला, तो अब आपके सामने जनरेट हो गया एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और ये क्यों हुआ, अब आप सोचेंगे कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे को देना ही है, तो क्यों ना मैं अपने रिलेटिव को कॉन्ट्रैक्ट दे दूं। इससे दो बातें हो जाएंगी, एक तो जो ये रिलेटिव है इसको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि बड़ा और रोड निर्माण का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट इसको मिल जाएगा, तो ये बहुत पैसे कमाएगा, और वो जो पैसे कमाएगा उस पैसे में से मैं कुछ ना कुछ अपना कट मांग लूँगा, तो मेरे भी फ़ायदा हो जाएगा। तो भाई इससे दो समस्या हो गई। जो बाकी 4 लोग थे उन लोगों को तो सही रिप्रेजेंटेशन मिला नहीं, उन लोगों का आपने काम भी नहीं देखा, बिना देखे हो सकता है ये आपका जो रिलेटिव हो ये काम भी अच्छा ना करता हो, ये जो क्वालिटी है वो भी नहीं मेंटेन करता हो, और ये ज़्यादा आपसे दाम मांग रहा हो। लेकिन क्योंकि आपका रिलेटिव है, आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हुआ, आपके मन में एक भावना जनरेट हुई, हित विरोधिता की भावना जनरेट हुई, जिसके तहत आपने इसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और वहाँ पर ये आपने अपना भी कट यहाँ से मांग लिया। तो इससे क्या हुआ, आप अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाए। तो जो आपको डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के तहत परफॉर्म करना चाहिए था वो आप नहीं कर पाए। आप यूटिलिटेरियन में भी फेल हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि यूटिलिटेरियन कहता है आप ज़्यादातर लोगों की खुशी देखें, लेकिन आप यहाँ तो सिर्फ स्वयं की खुशी देख रहे हैं। तो क्या प्रमोट हुआ यहाँ पे, आपके भाई सेल्फिश इंटरेस्ट प्रमोट हुए हैं। यहाँ पे आपने एल्ट्रुइज्म को भी बिल्कुल भंग कर दिया है। एल्ट्रुइज्म क्या होता है, अगर आप खुद एक किसी डिसएडवांटेज्ड पॉइंट पे हैं, तो आप अपने बारे में ना सोच के सामने वालों के हित के बारे में सोचें। अगर उसके तहत आपने कुछ खो भी दिया है, आपका कुछ नुकसान भी हो गया, तो कोई बात नहीं। लेकिन एल्ट्रुइज्म प्रिंसिपल कहता है कि आपसे पहले आपके सामने वाले हैं, आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो भाई ये पूरा मुद्दा हुआ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। अब हम लोग एक बार दूसरे वाले क्वेश्चन पे भी निगाह डाल लेते हैं। देखिए, तो दूसरा सवाल है, ये वॉरेन बफेट का है। सवाल कह रहा है कि अगर आप जब भी किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं, तो आप 3 गुणों को खोजते हैं, और 3 गुण क्या है। पहली गुण है सत्यनिष्ठा, दूसरी है बुद्धिमता, और तीसरी है ऊर्जा। लेकिन अगर उस व्यक्ति में सत्यनिष्ठा ही नहीं है, तो अन्य 2 गुण होने का कोई मतलब नहीं है, और जो अन्य 2 गुण हैं वो आपको समाप्त कर देंगे, इट विल किल यू। तो ये बोला है वॉरेन बफे ने। ये आपको आज यानी कि वर्तमान संदर्भ में इस चीज़ को डिस्कस करना है और एक्सप्लेन करना है। अब देखते हैं इसका आंसर दोस्तों। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जब आपके कोई पर्सनल इंटरेस्ट यानी कि फ्रेंड्स, फैमिलीज, फाइनेंशियल, सोशल फैक्टर्स,
कोई भी चीज़ आपके जजमेंट, डिसीजन, एक्शंस के बीच में आ जाए तो आप उसको कहते हैं पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सरकारी एजेंसीज इसको इतना ध्यान से और इतना सतर्कता से लेती हैं कि इसके लिए अलग से संस्था है जो इसको रेगुलेट करती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग जगह जनरेट हो सकता है, जैसे कि कहीं पे पब्लिक ऑफिशियल है, उसको कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो रहा हो तो वहाँ पे भी उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है। मैंने आपको एक पूरा एग्जाम्पल बताया, आप वो यहाँ पे कोट कर सकते हैं। हमारी वर्क लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो किसी ना किसी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस कर देते हैं, और वो आपकी जॉब्स या फिर आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बीच में आ खड़े होते हैं और आपके डिसीजन को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपने सही वक्त पे उनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर वो आपको ड्राइव करने लगते हैं, वो आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। तो ये है आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखते हैं क्या डिफरेंस है एक्चुअल और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस क्या है भाई? एक्चुअल तो है जो आज मेरे सामने आ खड़ा हुआ है, यानी कि अगर ये आप हैं टोपी पहने हुए तो फिर ये समझ लीजिए कि जब आप अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, तो उस समय अब आपके सामने कोई ऐसा प्राइवेट इंटरेस्ट आ खड़ा हुआ है जो आपकी ड्यूटी आपको परफॉर्म नहीं करने दे रहा, तो ये हो गया एक्चुअल, क्योंकि अभी आपके सामने है। और अगर मैं पोटेंशियल सोचूं तो पोटेंशियल मतलब संभावित, संभावित आने वाले फ्यूचर में, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में किसी डील से मुझे फ़ायदा हो रहा हो तो मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट उस डील के बीच में आ खड़ा हो और मुझे मेरी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म ना करने दे, तो ये हो गया पोटेंशियल यानी संभावित, यानी कि फ्यूचर में आने वाला। भाई एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब अराइज होता है? जब जो परिस्थिति है उसमें कोई भी आपके पर्सनल, प्राइवेट, प्रोफेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो आपको आपके डिसीजन लेने में रोक रहे हों, आपकी ऑब्जेक्टिविटी को वो समाप्त कर दें, आपके विवेक को वो दबा दें, जिसके तहत आप अपने उत्तरदायित्व को अच्छे से ना निभा पाएं, तो ये हो गया एक्चुअल। पोटेंशियल हो गया कि भाई कोई फैक्टर्स हैं जो आपके दिमाग में हैं और आप उनको अपने साथ लेके चल रहे हैं, जब आगे आने वाले समय में आप कोई डिसीजन लेंगे तो आप इनको अपने दिमाग में ज़रूर रखेंगे, लेकिन एग्जिस्ट ये अभी से कर रहे हैं, पर आप तब डिसीजन लेते वक्त इनका इन्फ्लुएंस अपने ऊपर महसूस करेंगे और वो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करेगा, लेकिन वो होगा पोटेंशियल। वही बात है, ये संभावित है, ये आने वाले समय में होगा, पर वो फैक्टर्स आपके पास आज भी हैं। अब एग्जांपल से आपको बेहतर तौर पे समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पे वही एग्जांपल है जो हमने डिस्कस किया, अगर कोई सिविल सर्वेंट कोई पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हो किसी फर्म को और उसमें उसका कोई खुद का रिलेटिव बैठा हो तो उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है। अब एक और बात पोटेंशियल की क्या बात है, देखिए जनरली होता क्या है, सिविल सर्विसेज रूल्स के हिसाब से कोई भी लोक सेवक वहाँ पे नहीं पोस्ट हो सकता जो उसकी नेटिव डिस्ट्रिक्ट है। और ये क्यों? क्योंकि उसके कोई भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना जनरेट हो। तो हमने सोच रखा है कि अगर हम इस व्यक्ति को इसकी होम डिस्ट्रिक्ट अगर ये है तो यहाँ पे रखेंगे तो फिर इसके कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हो सकते हैं। तो आपने फ्यूचर के बारे में सोच रखा है, विचार बना रखे हैं, तो ये होता है आपका पोटेंशियल। आप तो बस इतना याद रखिए, पोटेंशियल मतलब संभावित और एक्चुअल मतलब जो आज आप सामने फेस कर रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये था वॉरेन बफे का स्टेटमेंट एक, जिसमें कहा था उन्होंने, अगर किसी व्यक्ति को आप रिक्रूट करते हैं तो आप तीन चीज़ों को देखते हैं। पहली होती है इंटीग्रिटी यानी कि सत्यनिष्ठा, उसके अलावा आप देखते हैं उसकी एनर्जी, और तीसरी आप देखते हैं उसकी इंटेलिजेंस या फिर नॉलेज। और अगर उसमें इंटीग्रिटी नहीं है तो ये दोनों ही चीज़ें आपको मार सकती हैं, आपको समाप्त कर सकती हैं। एग्जाम्पल से ये आपको और बेहतर समझ आएगा। समझ लीजिए हमारे पास कुछ साइबर हैकर्स हैं जो कि किसी का भी कंप्यूटर हैक कर लेते हैं, वो कुछ भी और कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी वो प्राप्त कर पाते हैं। अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ साइबर हैकर्स को रिक्रूट किया है, उनको आपने नियुक्त किया है, तो आप चाहेंगे कि भाई उनमें इंटेग्रिटी हो। बाकी दो चीज़ें तो आपको पता है, क्योंकि ये युवा होंगे तो इनमें एनर्जी तो होगी ही होगी, और तीसरी बात क्योंकि साइबर हैकर्स हैं तो इसलिए इनमें नॉलेज की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन अब अगर सोचिए इनमें से बीच में इंटेग्रिटी ख़त्म हो जाए तो एनर्जी और नॉलेज दोनों हैं। अब ये एनर्जी और नॉलेज हो सकता है ये आपके ही ऑर्गेनाइजेशन, आपकी संस्था के खिलाफ लगा दे, और आप ही के सारे जो डेटाज हैं, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसी को चुरा के फिर आप ही को ब्लैकमेल करें। तो ये देखिए कि अगर उनमें इंटेग्रिटी नहीं होगी तो किस तरीके से ये दोनों चीज़ें आपके लिए डेडली कॉम्बिनेशन हो सकती हैं।
एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कहीं पे कोई साइंस पे रिसर्च हो रहा है आप समझिए, और वहाँ पे कुछ न्यूक्लियर के ऊपर रिसर्च हो रहा है कि न्यूक्लियर से किस तरीके से एनर्जी पैदा की जा सकती है। कुछ 3 साइंटिस्ट हैं जिनको रिक्रूट किया है इसके ऊपर रिसर्च करने को। आप समझिए, अगर इनमें से 2 साइंटिस्ट तो भाई सत्यनिष्ठा और ऑनेस्टी को मानते हैं, लेकिन तीसरा वाला जो साइंटिस्ट है उसमें इंटेग्रिटी की कमी है। लेकिन आपको मालूम है कि वो साइंटिस्ट है तो नॉलेज की तो कमी होगी नहीं, और एनर्जेटिक भी वो रहेंगे, वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित रहते हैं, पर समस्या है उनमें इंटेग्रिटी नहीं है। तो हो सकता है ये इंटीग्रिटी ना होने की वजह से वही यही जो पूरा फॉर्मूला है वो किसी आतंकवादी संगठन को बेच दे, या फिर किसी आतंकवादी संगठन को दे दे। तो इस तरीके से इनकी एक आदत की कमी की वजह से आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि पूरे देश को संकट में डालने वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये देखिए, तीनों का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर पहला नहीं हुआ और बाकी 2 हुए तो बाकी दोनों में इतना पोटेंशियल है, वो इतने सक्षम है कि आपको समाप्त कर दें। तो मैंने यहाँ पे शुरू किया इंटीग्रिटी को डिफाइन करते हुए। होता क्या है, जितनी भी आपके नैतिक सिद्धांत हैं उसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो होती है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी को आसान भाषा में बताऊं मैं तो ये होती है ईमानदार रहना, यानी सत्यनिष्ठा, आप ईमानदार हैं और आपके बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मजबूत नैतिक सिद्धांत हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास है तो यानी कि आपके पास इंटेग्रिटी है। और ये जो इंटेग्रिटी है, ये जब इंटेलिजेंस के साथ और साथ में और एनर्जी के साथ मिल जाती हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त काम कर सकती है। लेकिन अगर बाकी 2 रह गई, इंटेलिजेंस रह गई और एनर्जी रह गई, और आपकी इंटेग्रिटी गायब हो गई, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त डेडली कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे भी हमने साइबर हैकर्स या साइबर फ्रॉड का लिया है, उनके पास एनर्जी की कमी नहीं, इंटेलिजेंस की कमी नहीं, लेकिन अगर इंटेग्रिटी की कमी हुई तो वो अलग अलग तरीके के साइबर क्राइम में इन्वॉल्व होंगे। और आपको मालूम है कि आज एक युग है जहाँ पे साइबर वॉरफेयर चल रहा है, तो अगर इन लोगों को थोड़ी सी भी छूट मिल गई तो इस वॉरफेयर का हिस्सा बन के ये अलग अलग नेशंस की क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन पे बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। टैक्स इवेजन बाय कॉरपोरेट इंडिया, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उसमें सबके पास एनर्जी और इंटेलिजेंस है, लेकिन इंटेग्रिटी की जहाँ कमी हो जाती है तो चुपके से साइड से निकल लेते हैं और टैक्स को अपने इवेड कर देते हैं। टैक्स सरकार के पास जा नहीं पाता, सरकार के खजाने में ज़्यादा पैसा नहीं पहुँच पाता, तो सोशल एरियाज में वो ज़्यादा पैसा लगा नहीं पाती। तो सामाजिक अगर पैरामीटर्स को देखें तो हमारा देश उसमें अच्छा विकास नहीं कर पाता। आज जो हमारे शिक्षित युवा हैं उनका रेडिकलाइजेशन हो रहा है, वो टेररिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो उनकी इंटीग्रिटी की कमी है, क्योंकि वो युवा है, उनमें एनर्जी है, वो एजुकेटेड, वो शिक्षित हैं तो उनमें नॉलेज भी है। कमी क्या है, उनकी इंटीग्रिटी की, और इंटीग्रिटी की कमी की वजह से ही वो टेररिज्म की तरफ झुक जाते हैं। तो आपको इंटीग्रिटी देनी कैसे चाहिए, आपको नैतिक सिद्धांतों की शिक्षा देनी चाहिए, मॉरल्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पारदर्शिता लानी चाहिए आपको हर एक प्रोसेस में, कोड ऑफ एथिक्स आपको कहीं स्थापित करने चाहिए। तो अल्टीमेटली जो इंटेग्रिटी अगर आपके पास होगी, आपके पास सत्यनिष्ठा होगी, आप ईमानदार होंगे, तो आपकी एनर्जी को प्लस आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको आप बिल्कुल सही दिशा में डाइवर्ट कर पाएंगे और उसका आप बिल्कुल सही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये है इम्पोर्टेंस एनर्जी इंटेलिजेंस की और साथ में इंटेग्रिटी की। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। पहला सवाल है, जब भी आपको ये अच्छा कार्य करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको सभी चीज़ों की अनुमति होती है, जिसको आपको या तो एक्सप्रेसली या फिर क्लियर इम्प्लीकेशन से मना ना किया हो, यानी प्रोहिबिट ना किया हो। अब आपको इस स्टेटमेंट को लेना है और एक लोक सेवक के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के संदर्भ में इस कथन का उपयुक्त उदाहरणों के साथ परीक्षण करना है। उदाहरण बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, उदाहरण आप देंगे तो आपके आंसर को अच्छी पकड़ मिलती है, सामने वाले को समझ में आता है कि आंसर आपको समझ आ गया है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, और आप उसको किसी एग्जाम्पल से रिलेट कर पा रहे हैं। देखिए, ये जो सवाल है दोस्तों, ये कहता है, जब भी आप कोई अच्छा काम, कोई विकास कार्य करने जाते हैं तो सब कुछ परमिटेड है जो कि अलग से प्रोहिबिट नहीं किया गया और जो कि किसी भी क्लियर इम्प्लीकेशन से मना ना किया गया हो। तो यानी कि अगर मैं पकड़ूं मुद्दा, तो आपको लिखना है क्या क्या तो कंस्ट्रेंट आते हैं एक सिविल सर्वेंट को जब वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है। कह रहा है सब कुछ परमिटेड है जो कि अलग से प्रोहिबिट ना किया गया हो, तो यानी कि बहुत सारे कंस्ट्रेंट आते हैं। तो वो कंस्ट्रेंट क्या क्या हैं आपको यहाँ पर वो बताना है और एग्जाम्पल्स की मदद लेनी है। दूसरा सवाल जो है आपका, वो कह रहा है
कि अगर हम कार्रवाइयों की नैतिकता को देखें तो उसके संबंध में एक दृष्टिकोण यह है कि भाई जो साधन है यानी कि जो आपका मीन्स है वो सर्वोपरि है, और एक और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि आपका परिणाम जो है यानी कि आपका जो एंड है वो आपके साधनों को उच्च सिद्ध करता है यानी कि उचित सिद्ध करता है। आपके विचार में इनमें से कौन सा दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त है? दोनों में से कौन सी बात ज़्यादा सही है? आपको इस बात में अपने तर्क प्रस्तुत करने, और आप अगर एग्जाम्पल दे पाए तो आपको एग्जाम्पल देने हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, हम लोग दो पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं। एक तो हम लेते हैं वेस्टर्न ट्रेडिशन। जो वेस्टर्न ट्रेडिशन है हमारा, तो हमारा जो पश्चिमी संस्कृति है उसके अनुसार ये है कि भाई आप अपना एंड सेट कर लें, मतलब आपने अपना जो है गोल सेट कर लिया, परिणाम सेट कर लिया। अब बीच में तो आप जो भी करें, इस तरीके से जाएं, इस तरीके से जाएं, लेकिन आपका पहुंचना यहाँ पे है, यानी कि आपके जो मीन्स हैं वो आपने सेट नहीं किए हैं, वो आपके ऊपर है, आपको बस अचीव करना है एंड, उसी पे ध्यान देना है। वहीं पे अगर मैं गांधी जी की बात करूं तो गांधी जी की यहाँ पे थ्योरी अलग थी। गांधी जी कह रहे हैं कि भैया एंड तो अचीव करना है हमें, लेकिन सबसे ज़रूरी है हमारे मीन्स जिससे हम होके गुजरेंगे, क्योंकि आपका रास्ता, आपका सफ़र डिफाइन करता है कि आप कौन हैं। अगर गांधी जी बीच में अपने सभी सिद्धांतों को पीछे छोड़ के बंदूक उठा लेते और हिंसा पे उतर आते, तो वो आज उस तरीके से देश में एक आइडियल की तरह नहीं माने जाते। एथिक्स के फील्ड में वो एक पूजनीय पर्सनालिटी ना होते। उन्होंने अपने सिद्धांत कायम रखे। जैसे ही हमने इंसिडेंट देखा, एनसीएम के बाद चौरा चौरी हो गया, तो उन्होंने बारदोली से सीडीएम लॉन्च करने का तुरंत ख्याल छोड़ दिया, और उन्होंने कहा भाई अभी देश इस हालत में नहीं है कि कोई मूवमेंट चलाया जाए। उन्होंने सभी मूवमेंट सस्पेंड कर दिए। हालांकि बहुत आलोचना का उनको सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा मेरे जो मीन्स है वो बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि भाई जो एंड्स हैं वो आप तय करते हैं। आपका एंड है, हमारा एंड है कि हम लोग कुछ अच्छा हासिल कर लें, एग्ज़ाम क्लियर करें, कोई अच्छा पोस्ट हासिल करें, तो ये है हमारा एंड, हमने तय कर लिया। लेकिन एंड होना ना होना ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है मीन्स। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मुझे बड़ी पोस्ट चाहिए और वो पूरे टाइम पढ़े नहीं, और फिर आखिरी के कुछ समय में पढ़ ले और बोले हाँ हमको पोस्ट मिल जाएगी, तो ये सही नहीं है। आपने अपना मीन सही नहीं रखा है। शुरुआत में आप बहुत डगमगाए हैं, और एंड में अगर आप आके स्थिर हुए हैं तो इतना समय काफ़ी नहीं है आपको ये एग्ज़ाम निकालने को। आपको शुरू से डिसिप्लिन में चलना होगा। अपने जो आपको मीन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मजबूत बना के रखना होगा, तब हो सकता है कि आप इस एंड को अचीव कर लें। ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में नहीं। तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है आप उसको क्यों तय करके चलें? आप इसके ऊपर फोकस करके चलें जो आपके हाथ में है। जितना आप हार्डवर्क करेंगे, जितनी ज़्यादा आप पढ़ाई करेंगे, उतना ही आपके ब्राइट चांसेस होंगे इसको क्लियर करने के। तो जो चीज़ हमारे हाथ में है हम उस पर ध्यान देते हैं। तो जो पहला दृष्टिकोण है कि भैया मीन्स जो हैं, जो साधन है वो सबसे ऊपर है, वो है ये गांधी जी वाला। और जो दूसरा दृष्टिकोण है कि एंड जस्टिफाई द मीन्स, वो है वेस्टर्न। यानी कि अगर आपको आज से 10 साल बाद करोड़पति बनना है तो उससे ये फर्क नहीं पड़ता आप कैसे बन रहे हैं, आप कितने लोगों को सप्रेस करके, कितने लोगों को दबा के, कितने ही लोगों को परेशान करने के बाद इस पे पहुंचे हैं, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट कहता है आप यहाँ पे पहुंच गए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने आप जस्टिफाई हो गया। हमने जो सोचा था हम वहाँ पहुंच गए, अब भले करप्शन से पहुंचे हो, हम किसी नैतिक सिद्धांत को कुचलते हुए वहाँ पहुंचे हो, लेकिन हम लोग वहाँ पहुंच गए, और इसीलिए हमने जो रास्ता तय किया वो अपने आप जस्टिफाइड है। ये है वेस्टर्न व्यू जो मैंने आपको यहाँ बताया। अब हम लोग दोनों का आंसर देखते हैं। देखिए, पहले तो हमको बात करनी है क्या क्या सरकार को स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती हैं जब वो कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ती है, और क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। देखिए, यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है कि पॉलिटिकल और फिजिकल पावर कम है, ऑटोनॉमी कम है, रुपया इतना दिया नहीं जाता, डेवलपमेंट फाइनेंस नहीं मिलता जो मैंने बताया आपको, कैपेसिटी की कमी है हमारे पास, उसके अलावा कोऑपरेशन चाहिए लोकल, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। ये सेंटर है, ये स्टेट है, ये लोकल लेवल है, वो मिसिंग है कहीं पे। तो अगर यहाँ से प्लान बन भी जाए, सेंट्रलाइज प्लानिंग हो जाए, तो नीचे तक इम्प्लीमेंट होने में दिक्कत होती है। अलग अलग स्टेक होल्डर्स को हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते। भाई जो बिजनेस अकेला है वो किसी भी चीज़ को तय नहीं कर सकता, किसी चीज़ को निर्धारित नहीं कर सकता, कोई ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट नहीं दे सकता, कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर सकता।
तो अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा शुद्धता की ओर, प्योरिटी की ओर, आपको इंटीग्रिटी रखनी पड़ेगी। आप अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित रहें हर एक समय, आप सही कंडक्ट फॉलो करें, अपने नैतिक आचरण सही रखें, आप उन पर किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हालांकि जब हम पूरी तरह किसी नियम पे चिपक जाते हैं, उसके आसपास ही घूमते रहते हैं, तो कई बार ये हमारे देश के विकास के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है, ये विकास में हमारा बाधक बन सकता है। क्योंकि हम लोग एक विकासशील देश हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग वक्त के साथ रूल्स को मॉडिफाई करें, जिसके तहत हमारी नीड्स को वो रूल्स मीट कर सकें आज, और हमारे देश के विकास में वो बाधक ना बने। तो ये हुआ आपका पहला आंसर। दूसरा वाला मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने दो व्यूज़ लिए हैं। एक है वेस्टर्न व्यू, वो कह रहा है कि अगर आपको यहाँ पहुँचना है तो एंड इम्पॉर्टेंट है। आप टेढ़े मेढ़े होके पहुँचे, ऊपर नीचे होके पहुँचे, सीधे पहुँचे, ऐसे पहुँचे या ऐसे पहुँचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पहुँचना यहाँ है। अगर आप यहाँ पहुँच गए तो ये जो आपका सफ़र था, ये अपने आप ही जस्टिफाइड है, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा। ये तो है वहाँ का, यानी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। लेकिन गांधी जी ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने कहा ये गलत है। उन्होंने कहा जो जीवन का आधार होता है वो होती है आपकी मोरालिटी, आपके नैतिक विचार। तो वो झलकते हैं आपने क्या मीन्स अडॉप्ट किया है। आप इस पाथ से गए हैं तो क्या आप अपने सिद्धांतों को साथ लेके चले हैं, या फिर आपने उनको साइड में रख के फिर आगे का सफ़र तय किया है। तो ये चीज़ आपको इन्फ्लुएंस करती है। जो एंड है उन पे हमारा ज़्यादा कंट्रोल नहीं है भाई। आपने सोच लिया कल को हमें ये करना है, लेकिन वहाँ तक पहुँचे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो पहुँचना अभी आपके हाथ में है। आप अपने सफ़र को कैसा बनाएं, प्रेरणा स्रोत बनाएं किसी के लिए सम्मानजनक बनाएं, या फिर इस तरीके का बनाएं कि लोग आपको देख के बोलें कि इन्होंने कई बेईमानी, ये करप्शन से इतना आगे बढ़े हैं, और फिर आप एंड को अचीव भी कर ले तो भी आपका जो समाज है वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो ये समस्या है। इसीलिए जो चीज़ आपके हाथ में है आप उसको पकड़ के रखिए। लेकिन ये दोनों व्यू जो हैं ये सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करते हैं। और भाई ऐसा नहीं है कि वन साइज़ फिट्स ऑल, यानी कि एक अप्रोच हर जगह लगा दो, ये सही नहीं है। लेकिन जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके मीन्स जो हैं जस्टिफिएबल नहीं होते। एग्जाम्पल लें, मान लीजिए एक पुलिस ने कुछ फेक एनकाउंटर्स कर दिए और क्रिमिनल को मार दिया, तो ये एथिकल नहीं था। उनको एक न्याय व्यवस्था के तहत गुजरना चाहिए था और फिर उसके बाद उनका डिसीजन होता। लेकिन फेक एनकाउंटर से एक थ्रेट पैदा हो जाएगा समाज में भी और क्रिमिनल्स में भी। और ये जो है, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है उनको मारने का। पुलिस को अधिकार है उनको पकड़िए और उनको कोर्ट में पेश करिए, न्यायालय उनका फैसला करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो एंड्स हैं आपके वो एथिकल हैं, चलो ठीक है वो क्रिमिनल है उनको मार दिया आपने, लेकिन आपके मीन्स यहाँ पे जस्टिफाइबल नहीं है कि आपने क्या किया। आपको उनको न्याय व्यवस्था के तहत ले जाना चाहिए था, आपने वो नहीं किया, आपने उनको गोली मार दी, फिर एनकाउंटर कर दिया, वो चीज़ सही नहीं है। तो सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कोई टेररिस्ट है, उसने आपके शहर में कोई बॉम्ब प्लांट कर दिया, तो आप उसको फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं जिससे वो ये बता पाए कि उसने बॉम्ब कहाँ प्लांट किया है। अब यहाँ पे आपका मीन्स आपको दिख रहा है अनएथिकल है, किसी को फिजिकल टॉर्चर करना सही नहीं है, लेकिन एंड रिजल्ट अच्छा आएगा। वो आपको बता देगा कि उसने शहर में कहाँ बॉम्ब प्लांट किया है, तो उससे आप बॉम्ब के पास जाके उसे डिफ्यूज़ कर पाएंगे और शहर में ना जाने कितने लोगों की जान बच पाएगी। तो आपके मीन्स तो एथिकल नहीं है, लेकिन आपका एंड्स एथिकल है, तो इसीलिए मीन्स अपने आप जस्टिफाइड हैं। तो ये मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। एक तो आप गांधी जी का एग्जाम्पल लेके चलें कि भाई गांधी जी के जो है मीन्स जस्टिफिएबल थे, फिर वो उससे उनको एंड भी मिल गया। फिर दूसरी बात आप करें कि एक जगह एंड जस्टिफिएबल नहीं है लेकिन जो मीन्स है वो भी सही नहीं है, और तीसरी बात आप ये करें कि भाई हमारे एंड्स यहाँ पे अच्छे होंगे, हालांकि किसी को टॉर्चर करना सही बात नहीं है, आप उनके ह्यूमन राइट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पर वो स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि आपके जो एंड्स हैं उन्होंने अपने आप इसको जस्टिफाई कर दिया। तो ये दो तीन एग्जाम्पल लें, उससे आपका आंसर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं हम। मान लीजिए भारत सरकार एक पर्वतीय घाटी में एक बांध का निर्माण करने की सोच रही है। तो दोस्तों, ये है आपकी पर्वतीय घाटी। यहाँ पे सरकार सोच रही है कि हम लोग एक बांध का निर्माण कर दें, ऐसा समझ लीजिए। तो ये आपका बांध है। अब ये जो घाटी है ये चारों तरफ से पेड़ पौधों से, जंगलों से घिरी हुई है, और यहाँ पे वहाँ की एथनिक ट्राइब रहती है जो बहुत समय से वहाँ निवास कर रही है। तो जो भी आपके रास्ते में दिक्कतें आएंगी तो आप किस तरीके से उनको टैकल करेंगे, आपको ये बताना है। और यहाँ पर आपको तर्क का इस्तेमाल करना है। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा सवाल आपका है, किस तरीके से आप लोक प्रशासन में आने वाली नैतिक दुविधाओं का सामना करेंगे और उनका समाधान निकालेंगे, इस बात को आपको स्पष्ट करना है।
अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन में मैंने कहा है कि यहाँ पे बात हो रही है एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की। भाई बांध बनाना तो ज़रूरी है क्योंकि हम एक विकासशील देश हैं, तो हमको इस तरीके के डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इससे बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम्स का जिक्र किया है। क्या समस्याएं हैं? सबसे पहले पेड़ काटे जाएंगे, बहुत लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो इस बांध के आसपास के गांव होंगे वो सब डूब जाएंगे। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, इनको हमको करना क्या चाहिए? कुछ ऐसी आपको अपनी नीति तैयार करनी चाहिए जिससे ये ऊपर के सभी चैलेंजेस आपने जो मेंशन किए हैं उनको आप ठीक कर सकें और आप एनवायरमेंटल एथिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकें। फिर उसके अलावा आप जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी की सहायता लें। यहाँ पे जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे जो भी पैसा आ रहा है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं और जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उससे उनको कंपनसेट कर सकते हैं। जो आपके इसके तहत पेड़ कटेंगे इसी रुपये को इस्तेमाल करके आप उन पेड़ों को वापस कहीं और लगवा सकते हैं। तो आपकी रैशनल पॉलिसी में भाई होना क्या क्या चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये जो आपकी घाटी है कहीं ऐसा तो नहीं है ये अर्थक्वेक प्रोन हो? अगर यहाँ पे भूकंप आ गया तो आपका डैम बहुत जल्दी से ही ध्वस्त हो जाएगा, और एक बार आपका डैम ध्वस्त हो गया तो वो बाढ़ का खतरा घाटी के नीचे कहीं भी सामने आ सकता है जिससे कि बहुत ज़्यादा जान और माल के नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए इस प्रकार की चीज़ें कैरी आउट होनी चाहिए। साथ में आप सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी करें कि आपके किसी भी निर्माण से वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के समाज को किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है ये आप देखेंगे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में। और ये करवाना किससे चाहिए? जो भी एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप हैं, अकेडमियाँ हैं, सिविल सोसाइटी हैं। इससे होगा क्या? लोगों में विश्वास जागृत होगा कि इन लोगों ने जो किया है वो चीज़ सही की है। सरकार अगर करेगी तो लोग सोचेंगे सरकार तो अपने फ़ायदे के लिए कर रही है, तो कुछ घोटाला भी कर सकती है। इससे एक और फ़ायदा होगा, आपको जल्दी ही कोई भी प्रॉब्लम का पता पड़ जाएगा, और जैसे ही आपको प्रॉब्लम का पता पड़े आप तुरंत उसको फिक्स कर दीजिए। ये आपका बेसिक कल्चर भी होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी का। अलग अलग तरीके के अनफोर्सिन चैलेंजेस हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है, भूकंप आ सकता है, बाढ़ आ सकती है। अगर आपने लैंड को अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, आपने अनसाइंटिफिक यूज़ किया, तो इन सब चीज़ों के तहत आपको वहाँ के लोकल युवाओं को ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी है। उनको कुछ सर्वाइवल स्किल्स देनी पड़ेंगी कि भाई अगर आने वाले समय में इस एरिया में किसी भी तरह की आपदा आती है तो आप किस तरीके से उसे लड़ें, वो बेसिक ट्रेनिंग आपको देना ज़रूरी है। स्टेट को ये बात इंश्योर करनी पड़ेगी कि वहाँ पर और भी एक्टिविटीज़ डेवलप हो पाएँ, जैसे टूरिज़्म, जैसे कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज, झूम कल्टीवेशन, हंटिंग, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको भी ठीक करना ज़रूरी है। लैंड यूज़ पैटर्न को आपको ठीक करना है जिसकी वजह से आपकी आपदाएं जो आ सकती हैं उनका खतरा कम रहेगा। डिज़ास्टर को प्रिडिक्ट करने का यहाँ पे मैकेनिज्म होना बहुत ज़रूरी है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। उस एरिया में जो भी ऐसा जोन है जहाँ पे ज़्यादा खतरा है किसी भी डिज़ास्टर का, उस एरिया को डेवलपमेंट से प्रोन रखें, वहाँ पर डेवलपमेंट ना करें। वहाँ पे कम्युनिकेशन लिंक्स की ज़्यादा स्थापना करें जिससे आने वाले समय में कोई अगर आपदा आए तो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ, और कोई बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हो तो सरकार को भेज पाएँ और सरकार इनको इन्फॉर्मेशन भेज पाए। और हमको एक सीख लेनी चाहिए अभी रिसेंट एग्जाम्पल से, जब केरला में बाढ़ आई, कर्नाटक में बाढ़ आई, और उसी के तहत हमको यहाँ पे सभी एनवायरमेंटल कंसर्न्स को पूरा तवज्जो देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके अनुसार ही अपनी नीतियों को हमको फ्रेम करना चाहिए। ये होनी चाहिए आपकी बेसिक स्ट्रैटेजी इस चीज़ को डील करने की। फिर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो डायलमा है, जो दुविधा की स्थिति हो जाती है, वो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होती। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपने इसका उपाय निकाल लिया, ये आपके अंतरात्मा को चैलेंज करने वाली सिचुएशन है जो आपको मजबूर करती है कोई एक पक्ष लेने को। वहाँ पे आपके सामने एक बहुत ही प्रलोभित करने वाला पक्ष होगा, एक बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव पक्ष होगा जो गलत रास्ते की तरफ आपको ले जाएगा, और वहीं पे आपके सामने एक हार्श मार्ग होगा जो आपको एक डिफ़िकल्ट रास्ते की तरफ ले आएगा और कोई आपका गेन नहीं करवाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन दोनों रास्तों में से एक को चुनना होता है आपका डायलेमा। तो इसीलिए डायलेमा को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। हालांकि हम सोचते हैं कैसे मैनेज करें, हम अपने पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट को सबसे पीछे रखें। आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कॉमन गुड। तो अगर मैं इसको ग्रेटर देन में डिफाइन करूँ तो देखिए, कॉमन गुड जो है वो किसी भी स्थिति में ग्रेटर देन होना चाहिए आपके पर्सनल इंटरेस्ट से,
तब आप एथिकल डायलेमास को थोड़े आसानी से मीट कर पाएंगे। अगर आप देखेंगे कि इस चीज़ में मेरा पर्सनल गुड ज़्यादा भारी हो रहा है, तो यानी कि आप गलत कर रहे हैं। हर चीज़ में कॉमन गुड ज़्यादा भारी होना चाहिए, जनहित ज़्यादा भारी होना चाहिए। एथिकल डायलेमास को आप किस तरीके से डील करेंगे, देखिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, समस्या वहाँ आती है कि जो पॉलिटिकल मास्टर्स होते हैं, जो भी राजनेता होते हैं, वो होते हैं आंसरेबल लोगों को, और वो होते हैं आंसरेबल हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। तो जो ये नीति बनाते हैं, ये नीति बना के आपको दे देंगे। ब्यूरोक्रेट्स का काम होता है कि नीतियों को इम्प्लीमेंट करें। अब ये जब नीतियों को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हो सकता है इस वाले प्रोसेस में, हो सकता है ये नीति आपको बिल्कुल पसंद नहीं हो, लेकिन आपको फिर भी इम्प्लीमेंट करनी पड़े, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है। तो ये है आपके लिए एथिकल डायलेमा, और इसको आपको रिजॉल्व कैसे करना होता है। आप हर एक चीज़ में इक्वालिटी सबसे पहले रखें, प्लस आप सोशल जस्टिस के बारे में सोचें। ऐसी तो कोई पॉलिसी नहीं है जिससे लोगों का बुरा हो रहा हो, कुछ एक वर्ग को ही फ़ायदा मिल रहा हो, बाकी वर्ग नीचे रह जाएं। उसके अलावा आप देखें, कोई ऐसी तो ये नहीं है जहाँ पे कुछ एक दो लोग ही हों जिनको इससे बेनिफिट मिल रहा हो। क्या ये यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को फॉलो करे हुए है, तो आप उसका भी जिक्र करें। अगर ये इसको फॉलो कर रही है, तो आप एथिकल डायलेमा अपनी रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अल्ट्रुइज्म को फॉलो करना चाहिए, यानी कि आप खुद से पहले अपने सामने वाले लोगों को देखें, उनके हित के बारे में सोचें। भले ही इस दौरान आपकी खुद की पोजीशन खतरे में आ जाए, लेकिन अल्ट्रुइज्म कहता है पहले आप इनके बारे में सोचें। यहाँ पे आपको किसी फेवरेटिज्म के तौर पे काम नहीं करना कि आप इस नीति को इम्प्लीमेंट कर दे क्योंकि आपको इस पॉलिटिकल मास्टर का फेवरेट बनना है। नहीं, आपको इसलिए करना है कि आपको जनता का फेवरेट बनना है। आपको अच्छे से अच्छा काम करना है जनता के लिए, जिससे वो आपका साथ दे, उसका विकास हो पाए। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे कि सोशल जस्टिस सबसे पहले है, इक्वालिटी सबसे पहले है, अल्ट्रुइज्म सबसे पहले है, यूटिलिटेरियन सबसे पहले है, तो आपको काफ़ी हद तक इससे फ़ायदा होगा कि आप अपने एथिकल डायलेमास को रिजॉल्व कर पाएँ। इसके अलावा यहाँ पे डियोंटोलॉजी तो फॉलो करनी ही है, यानी कि आपको अपने एथिक्स से, अपनी ड्यूटी से जुड़ा रहना है। लेकिन डियोंटोलॉजी के साथ अगर आप एल्ट्रुइज्म और यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल भी जोड़ देंगे, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी ड्यूटी भी फॉलो कर पाएंगे और मास गुड भी कर पाएंगे, जो यहाँ पे हमारा मेन एम होता है सिविल सर्वेंट बनके। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे कुछ कोटेशन दे रखे हैं, तो आपको ये बताना है कि ये कोटेशन आपके अनुसार क्या मतलब है इनका, और वो भी आपको बताना है वर्तमान संदर्भ में। सबसे पहले मैं अब्राहम लिंकन जी का पढ़ूंगा। भाई सवाल जो है वो ये कह रहा है कि किसी भी बात को स्वीकार या फिर अस्वीकार करने में निर्धारण आपका जो करता है, वो यह नहीं करता कि ये बिल्कुल सही है या ये बिल्कुल गलत है। ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं होंगी, या ऐसे बहुत कम विषय होंगे जो पूरी तरह सही होंगे या पूरी तरह खराब होंगे। आपको देखना है कि कौन सा ज़्यादा प्रधान है, कौन सा ज़्यादा भारी है। अगर अच्छाई ज़्यादा भारी है बुराई से किसी एक पर्टिकुलर नीति की, तो आपके हिसाब से नीति सही है। अगर बुराई ज़्यादा भारी है, तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, या फिर उसको चेंज करने की ज़रूरत है। भाई विशेषकर सरकारी नीति के संबंध में अच्छाई और बुराई दोनों ही अविच्छेदनीय होती हैं, दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों आप उससे अलग नहीं कर सकते। आपको डिसाइड यहाँ करना है कि प्रधानता किसकी है, और इसी वजह से आपके सर्वोत्तम निर्णय की आवश्यकता जो है वो हमेशा बनी रहती है। यह अब्राहम लिंकन जी का, इसमें आपको बताना है आज के कंटेक्स्ट में। कोई एग्जांपल ले लें और फिर उसको बता दें कि भाई कहाँ पे हमने किसी बिल को पास नहीं होने दिया क्योंकि उसमें बुराइयाँ ज़्यादा थी, कहाँ कहीं पे किसी बिल को पास कर दिया उसमें बुराइयाँ कम थी। ये एक एग्जाम्पल बन सकता है। इसी तरीके से आप कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर दूसरा जो कथन है वो है महात्मा गांधी का, यह है क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के शत्रु हैं। यानी कि अगर आप गुस्से में हैं, अगर आप इंटॉलरेंट हैं, आप मारा फोड़ी कर रहे हैं, तो ये आपको सही समझ नहीं दे पाएगी, ये आपके शत्रु हो जाएंगे, आप सही नज़रिए से चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। तो आपको हर एक चीज़ शांत रह के करनी चाहिए, टॉलरेंट रह के करनी चाहिए, और आपको हर एक व्यक्ति को, हर एक वस्तु को, हर एक वर्ग को एक ही चश्मे से देखना चाहिए, एक ही नज़र से देखना चाहिए। और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो कह रहा है, ये वाला स्टेटमेंट है तिरुकुरल का। ये कह रहा है कि अगर ये स्थान है सत्य का, और यहाँ पे सत्य नहीं है, यहाँ पे असत्य है, तो फॉल्सहुड भी सत्य की जगह ले सकती है, अगर जो आउटकम है आपका या फिर जो आपका रिजल्ट है वो हो सार्वजनिक कल्याण, और वो भी निश्चित
कलंक यानी कि निष्कलंक सार्वजनिक कल्याण, अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड। अगर आपका यहाँ पे आउटकम है कॉमन गुड, तो फिर आप ये ध्यान रखें कि आपका जो सच्चाई है वो भी अगर मौजूद नहीं है तो उसकी जगह असत्य भी चलेगा। यानी कि इसको अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूँ, तो अगर किसी झूठ से लोगों का फायदा हो तो वो झूठ बुरा नहीं है। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, आइए। अब देखिए अब्राहम लिंकन का हम इस वाले स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट के अनुसार भाई हम लोग अगर पकड़ें पॉलिसीज़ की बात, तो देखिए सरकार जो स्कीम लागू करती है, जो नीतियाँ लाती है, जो पॉलिसीज़ लाती है, जो प्रोग्राम लाती है, आपको लगते हैं बड़े सुंदर हैं, लेकिन उनके कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो होते ही हैं, जो कि हम उनके लूप होल्स बोलते हैं। जैसे कि पकड़ लीजिए PDS सिस्टम को, सरकार लाई थी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत क्या हो, अनाज जो है लोगों तक पहुँचाया जा सके, और वो भी काफ़ी सब्सिडाइज्ड दामों में। लेकिन इसकी दिक्कत क्या है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हैं, कि भाई इसमें लीकेजेस इतने ज़्यादा होने लगे कि लोगों तक तो कम, लेकिन जो भी इससे जुड़े अधिकारी थे उनकी जेब भरती चली गई। ये इसमें समस्या है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो हैं, तो हर एक प्रोग्राम के, हर एक पॉलिसी के कुछ अच्छे होता है, कुछ उसमें बुरा होता है। आपको देखना ये होता है कि ज़्यादा उसमें अच्छाई है या फिर ज़्यादा बुराई है। अब भाई आप अगर पकड़ लें मनरेगा को, तो मनरेगा तो आपको लगती है बड़ी अच्छी स्कीम है भाई, क्या ये पॉवर्टी ख़त्म करती है, ये लोगों को रुपया देती है उनका घर चलाने के लिए, ये लोगों का विकास करवाती है, सब चीज़ें अच्छी दिख रही है। लेकिन अब ये सोचिए कि ये क्या स्किल डेवलपमेंट कराती है। आप लोगों को पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन आप उनके स्किल डेवलपमेंट नहीं करा रहे। अगर कल को मनरेगा बंद हो गई, या फिर जब मनरेगा में काम करने के 100 दिन उनके पूरे हो जाएंगे, तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, स्किल तो डेवलप करा नहीं रहे आप। आप उनको बस 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनको उसके बदले पैसे दे रहे हैं, तो ये उसकी समस्या है। हालांकि मनरेगा बहुत सुंदर लगती है देखने में, लेकिन कुछ समस्या भी है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। फिर भी हमने मनरेगा बंद थोड़ी की, हम तो चला रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि इसकी अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा भारी हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स बुराइयाँ। अगर आप एक तराजू लेके चलें और इनको तोलें, तो ये अच्छाइयाँ इसकी जो होंगी, इसके गुड होंगे, वो यहाँ पर आएंगे, और इसकी जो बुराइयां हैं यानी कि बैड हैं, वो सिर्फ इतने से हैं, बहुत ऊपर आएंगे। तो क्योंकि इसका गुड ज़्यादा भारी है, इस वजह से आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हर एक पॉलिसी में यही होता है, आपको जज करना पड़ता है अच्छा है कि बुरा है, और अगर बुरा है तो फिर आप देखते हैं कि भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा बुराइयाँ हैं, तो इसको चलाना ठीक नहीं। लेकिन एक दो बुराइयाँ हैं और 18-20 इसमें अच्छाइयाँ हैं, तो आप इसको चलाते हैं। यही पूरा स्टेटमेंट है, इसको किसी भी एग्जाम्पल के जरिए आप समझा सकते हैं। यहाँ पे हमने आधार का एग्जाम्पल लिया है। आधार के पहले आपने यहाँ पे बता दिए क्या क्या बेनिफिट है, तो उससे आपको ये दिखेगा क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या इसमें पॉजिटिव हैं, क्या इसका जो गुड है वो तराजू में नीचे की तरफ आ रहा है। तो देखिए ये सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने के लिए था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र था। इससे क्या होगा, पॉवर्टी ख़त्म होगी, इससे आप ट्रैक कर पाएंगे, इससे टारगेटिंग और बेहतर हो पाएगी, इससे एक्यूमुलेशन नहीं होगा लोगों के पास, काला धन नहीं आएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आपके आधार से लिंक्ड होगी, और गवर्नेंस के पार्ट पे प्रोसेस बहुत ही क्विक और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ बॉटलनेक्स भी हैं। इसमें हमको डर है कि हमारी प्राइवेसी कहीं और ना चली जाए, हमारी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कहीं और ना चली जाए, फिर उसके बाद हमारी इन्फॉर्मेशन रख के कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग हम पे सर्विलेंस करने लगें, तो इसमें भी समस्या है। तो आपको करना क्या है, आपको ये तय करना है कि इसके प्रोज ज़्यादा भारी हैं, कौन ज़्यादा भारी हैं। अगर आपकी तराजू में इसके प्रोज ज़्यादा भारी हुए, ये इसके प्रोज हो गए, और आपकी तराजू में इसके कौन से हल्के हुए, तो फिर आप इसको चलाएंगे जैसे कि आधार चल रहा है। आने वाले समय में अगर कौन से इधर आ गए और प्रोज ऊपर चले गए, तो फिर आप सोचेंगे नहीं इसको चलाना सही नहीं, इसको बंद करो। तो ये सब होता है, हर एक पॉलिसी में अच्छाई बुराई दोनों होती है, हमको जज करना पड़ता है, और हमको कंटिन्यूसली अपने जजमेंट्स को अपडेट भी करना पड़ता है, जिसके तहत हम लोग सही फैसले ले पाएँ। ये मतलब है इस अब्राहम लिंकन के स्टेटमेंट का। यहाँ पे हमने दो एग्जांपल और लिए हैं, ट्रिपल तलाक का और रिस्ट्रिक्शन ऑफ वुमेन टू सबरीमाला। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया वुमेन को अलाउ करना चाहिए सबरीमाला में एंट्री, तो ये तो उसके गुड थे। उसके बैड ये हो गए कि उनके रिलीजन से खिलवाड़ हुआ, और उसके अलावा बहुत समय से जो परंपरा चली आ रही थी उसके साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन बैड जो है वो इतने मजबूत नहीं है जो गुड को ओवरपावर कर जाएं, इसीलिए गुड हमारा सही है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट की बात पे अड़े रहते हैं। आपको ये करनी है, आप जहाँ पे जितने एग्जांपल दे पाएँ उतने दे दें, उतना ही आपके आंसर के लिए और बढ़िया होगा। फिर अगला स्टेटमेंट देते हैं महात्मा गांधी का, वो कह रहे हैं अगर आपको गुस्सा आता है,
आप में असहिष्णुता बसती है तो इसका मतलब आपकी जो रैशनल थिंकिंग है वो कमज़ोर पड़ रही है, और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बायस्ड डिसीजन लेंगे, आप किसी एक तरफ झुके रहेंगे जो कि ठीक नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपको सही डिसीजन लेने हैं तो आपको सबको उसी चश्मे से देखना पड़ेगा जिसमें आपको शांत रहना बहुत ज़रूरी है और आपको टॉलरेंट रहना बहुत ज़रूरी है। टॉलरेंस जो है वो आप में एक ऐसी भावना पैदा करती है जिससे आप सभी धर्मों को, अलग अलग डाइवर्सिटी को, अलग अलग कल्चर ट्रेडिशंस को एक ही नज़रिए से देखते हैं, आप उनका सहर्ष स्वागत करते हैं, तो ये बहुत आपके लिए ज़रूरी है। अगर गुस्सा आता है तो एक व्यक्ति अपना पेशेंस यानी कि धैर्य खो देता है जिसकी वजह से वो इनटॉलरेंट हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति जनरली क्या होता है, बहुत हार्शली, बहुत रूडली बोलता है। उससे वो अपने बहुत सारे संबंध खराब करता है और सामने वाले को भी उसके ऊपर गुस्सा आता है और उसकी जो है लोकप्रियता घटती चली जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग बहुत गुस्से में होते हैं और जिस व्यक्ति पे वो गुस्सा है उसके पास नहीं पहुंच पाते तो गुस्से में खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। आज हो क्या रहा है हमारे देश में, अगर हम देखें तो मॉब लिंचिंग बढ़ती जा रही है, सांप्रदायिक जो दंगे हैं वो बहुत ज़्यादा भड़कते चले जा रहे हैं। तो ये जो हो रहा है ये दिखा रहा है कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। ज़रूरी है कि हम इसको कंट्रोल करें वरना हमारी अंडरस्टैंडिंग खो जाएगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग कि ये जो देश है ये बहुत सारे अलग अलग धर्मों को, अलग अलग संस्कृतियों को अपने आंचल में लपेटे हुए है। बहुत खूबसूरती से ये जो देश है हमारा, ये इसमें मौजूद इतने सारे धर्मों को, इतनी सारी संस्कृतियों को एक बहुरंग वस्त्र की तरह अपने ऊपर लपेटे हुए है। तो आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल खो जाएगी क्योंकि आपको जहाँ दिख रहा है वहाँ गुस्सा दिख रहा है, जहाँ दिख रहा है वहाँ पे इनटॉलरेंस दिख रही है, तो आपके बहुत ख़राब चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। इसीलिए आप देख रहे हैं आज ऑनर किलिंग्स हो रही है, उसके अलावा एसिड अटैक्स हो रहे हैं लोगों पे। क्यों? क्योंकि जो कभी लोग किसी लड़की से अगर एक तरफा प्रेम करते हैं और वो लड़की उसको मना कर देती है तो उनको गुस्सा आ जाता है, उनकी ईगो हर्ट हो जाती है और वो इस तरीके के घिनौने अपराधों में अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं, और ये होता है सिर्फ और सिर्फ एंगर से, और आपके एंगर की वजह से किसी का पूरा जीवन खराब हो जाता है। तो महात्मा गांधी के अनुसार अगर ये दो चीज़ें आपके दिमाग में घर कर गई हैं तो भैया फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग का कुछ नहीं हो सकता, आपकी अंडरस्टैंडिंग जा चुकी है। फिर उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि भाई ये पूरा स्टेटमेंट उसी पे बेस्ड है, अगर कोई झूठ जो है वो किसी के भले के लिए बोला जाए या किसी का अच्छा कर दे तो फिर वो झूठ सत्य की जगह ले लेता है। यही वो चीज़ है, अगर कहीं पे सत्य खाली है तो झूठ वहाँ पे आ गया, वो झूठ भी पूरी तरह जस्टिफाइड है अगर उसकी वजह से कोई कॉमन गुड हो। इसका मतलब ये है कि एंड्स जो है वो सुपीरियर टू मीन्स है। अगर मैंने अपने रास्ते में झूठ बोला है लेकिन जो इसका असर हुआ है वो अच्छा हुआ है, उससे महिलाओं को इज्जत मिली है, उससे बच्चों को शिक्षा मिली है, तो मेरा झूठ भी माफ़ करने योग्य है, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने जो एंड अचीव किया है वो बड़ा अच्छा है। इसमें एग्जाम्पल हमने लिया है, एक बार बिहार की सरकार ने क्या किया, गांव में एक ऐसी कैंपेन चलाई जहां पे जो भी पेरेंट्स थे उनको बोला अगर आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे तो माँ सरस्वती स्वयं प्रकट होंगी और आपको पनिशमेंट देंगी, क्योंकि आप अपने बच्चों को अगर स्कूल नहीं भेज रहे तो आप उनको विद्या से दूर रख रहे हैं और विद्या माँ सरस्वती का ही रूप है। तो इस तरीके से कोई भी इसके पीछे लॉजिक नहीं था, कोई खास इसके पीछे सत्य नहीं था, लेकिन एक झूठ था इनफैक्ट। तो ये झूठ से वहाँ पे अगर बच्चों का एनरोलमेंट स्कूल में बढ़ जाए तो ये झूठ जो है ये भी सही सिद्ध हो जाए। हालांकि हमेशा ये नहीं हो सकता, जैसे कि कई बार फॉल्स एनकाउंटर कर दिए जाते हैं क्रिमिनल्स के और उनके ऊपर अलग अलग तरीके के चार्ज लगा दिए जाते हैं, और कई बार तो वो क्रिमिनल्स भी नहीं होते, वो होते हैं सिविलियंस नॉर्मल, और उनको मार दिया जाता है और ये दर्शा दिया जाता है कि भाई ये थे हमारे क्रिमिनल्स। तो यहाँ पे जो आपने झूठ बोला है वो क्योंकि कॉमन गुड नहीं कर रहा, इसीलिए वो किसी सत्य की जगह नहीं ले सकता। तो सिचुएशन दोनों तरफ जा सकती है, लेकिन बात यह है कि अगर किसी झूठ से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, इनफैक्ट काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो ये झूठ भी चलता है। तो ये था तिरुकुरल का स्टेटमेंट जो आज के प्रेजेंट टाइम में पूरी तरह रेलेवेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं तक के सवाल रखेंगे, इसके आगे के सवाल हैं केस स्टडीज़ जो हम एक अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे।
उम्मीद करता हूँ मैं इन वीडियोस से आपकी बहुत मदद हो रही होगी। एथिक्स से जुड़े अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर हो रहे होंगे। आप मेरे साथ इतनी देर बने रहे, आपने मेरे वीडियो से कुछ सीखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।